उसके पास जाइए। किसके पास? मंसूर। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे कोई पूजा पाठ वाला भी तो ले जावे हमें, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। अरे दद्दू इतना दुबार का है, पहले ही बजट पे बड़ी मुश्किल से कूपन से निकाले। चलो तो हर बात घोड़े के पाँव, ये चिड़ियाघर में यही मिला तुझे, हम घोड़े पे नहीं बैठेंगे। दद्दू सुनो हमारी बात। पर दद्दू घोड़ा ना तो आरती करता है ना तो कुरान पढ़ता है। हाँ हाँ, अरे उठो, हम बता रहे हैं जे सामान का और हमारा एक्स्ट्रा नहीं लेगा। चलो आओ, उठो, चलो चलो चलो। अब अरे ये दुलत्ती तो नहीं मारता ना, ये कहीं हमें लेके पहाड़ी से कूद तो नहीं जाएगा। अरे नहीं दद्दू, बस दो एक बार कूदा। अरे नहीं नहीं, अच्छा दद्दू उसको नहीं बैठाएंगे, हम खुद ही डोलेंगे, बस उनको डोलेंगे। हाँ हाँ, जैसा ही है, जैसा ही है, चलो हम बिठा देते हैं। आओ बैठो, खड़ी बोला था कोई पूजा पाठ वाला करियो। काहे जलेबी लेतर से घूमनी, बड़ा मजा आया रसगुल्ले में। ये तो भोजपुरी बक रही है। दद्दू हम सब बक लेते हैं, पंजाबी गुजराती सब, पूरे इंडिया का दर्शन करा रखे। चलो आ बेटा। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। चल बेटा चल। अरे ये तुम्हारा खच्चर हमारा सामान लेके भाग तो ना जाए। अरे नहीं दद्दू, रुस्तम तुम्हारा सामान समेत अपन रास्ता खुद ही ढूंढी। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। अब दिल्ली दूर नहीं, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोले नाथ शंकरा, जय विलोमनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोले नाथ शंकरा, शुद्ध देव हे महेश्वरा। पांडव ने पश्चाताप के लिए तप किया था महाभारत युद्ध के बाद, अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और धड़िया रह गया। जय साहब, जय हिंद। सृष्टि के जन्म से 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी। अरे किस बात की तो बना रहा है, छत्ता नहीं तो। महादेव की बूटी खा रखी है। ये जग रहे आना रहे, रहेगी तेरी आस्था। दोनों में तेरी महानता, महानता। इधर कितना जल्दी है? अरे दद्दू इधर अपना इलाका है, चाय पानी मौसम मिलेगा। बस इधर 1 मिनट रुकेंगे। चल चल आ रुस्तम, बस 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 बस, दो आराम से। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट पकड़ेगा सर, बस 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पे।
अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे हमसे। मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तू? नायक भाई, बेटे के मालिक को दिखाई दे भाई, आपने गलत बात है। छोड़ 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 शाम को मिलता हूँ। अरे कुछ तो बोलो मेरे भाई। माफ कर दीजिए, देखा नहीं। देखा नहीं? अमावस की रात है क्या जो देखा नहीं? अरे दिन दिहाड़े सूरज चमक रहा है, सीधे हमारे ऊपर आके धावा बोल दिया और कहते हो कि देखा नहीं। जाने दो ना, खच्चर है। जाने दे, अरे वो तो खच्चर है, लेकिन तुम अब खच्चर तो नहीं आके कहेगा ना तुमसे कि भाई जरा बाथरूम तक ले जा। अरे नई नवेली चप्पल थी मेरी, तुम्हारे इस खच्चर ने तो ये प्रसादम छोड़ दिया, अब क्या करेंगे हम इसका? हेलो निरंजन जी, दो दिन तो दिखा नहीं दिए, पर तू दिख रहा था मुझे। चल पी लेते हैं जहरवादी की सारी नफरतों का, कुछ मूर्खों को खेलते हैं, चल कर खेलते हैं। टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो गया, तुम्हारी बरसती छत ठीक नहीं हुई। उसकी छत तो पिछले 5 बरस से बरस रही है भाई, उसको छोड़ो, ऊपर जाके देखता हूँ तो दिल जगर सब फट जाता है। पिट्ठुओं के लिए तो शौचालय है ही नहीं, हाँ यात्रियों के लिए पूरी सुविधा है। बात हो गई है मेरी, और मंडल ने वादा किया है कि कोई हल जरूर निकालेंगे। वो नए पिट्ठू आईडीज और रेट की चर्चा पे थी। उन सबसे पहले एक जरूरी बात, सोच विचार करना है। मंडल यहाँ होटल खड़ा करना चाहता है रामबाड़ा में, 2 सितारा, और फिर धीरे धीरे गेस्ट हाउस, लॉज, पक्की दुकानें वगैरह। हमसे पहले ही चर्चा शुरू हो गई। बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस इलाके में होटल खड़ा करने पे पाबंदी है, परमिट के बगैर यहाँ पे होटल या दाम नहीं बन सकता। परमिट का रेट कार्ड तो है, ऐसे दो खरीद लो। वो जो मुख्य पंडित का भांजा है कुल्लू, वो खड़ा है इस होटल के पीछे, तो हम लोगों को जल्द से जल्द सोच विचार करके अपनी बात सामने रखनी चाहिए। कीड़े पड़े, कोड़ लगे, नली से पानी ना उतरे गले में। काका नहीं, आप फिर गद्दी पे बैठ गए? अब से कहाँ है ना, जब आप वहाँ बैठते थे भूत और मारता है। 2 मिनट इंडिया के लिए आप बाहर खड़े नहीं हो सकते? ग्राहक आए तो अंदर आ जाऊं? काका पाकिस्तान मारे ना मारे, तेरे पिताजी से पड़ेगी जरूर आज तो। किवाड़ पे जमा के रख दिया, जैसे हम दिखाएंगे भारत को यहाँ रामबाड़ा से खड़े होकर। गंगा से ना धुलपा इसकी जुबान माँ, इसके लिए तो साबुन या सर्फ ट्राई करो। तेरी क्या कहा? आरती, तेरी आरती। अरे भाई साहब, अब यहाँ क्यों खड़े हैं? ठंड लग जाएगी, चलिए अंदर चलिए। आइए आइए। जय शंकर भवेश। मंदाकिनी ये डिब्बा बंद करो। महादेव, टूरिस्ट बुकिंग शुरू हो गई है, कल से ऊपर बिजी। इस बार भाई साहब नीचे हिसाब देखेंगे, और तुम दोनों लड़कियां ऊपर शंकर लाज। लता वो मेरा स्टोर रूम का वो दूसरा चाबी का गुच्छा आया कि नहीं? चाबी का गुच्छा तैयार है, मैं अब भी लाई। और पंडित जी इस बार आप हिसाब पे बिठाना, ये दाल रोटी सफाई औरतों के काम नहीं करेंगे हम ऊपर लॉज में। रॉकेट पे बिठा के हिमालय की चोटी पहुंचा दो इसे। धरती पर इसके पाँव ना टिके। इंटरनेट पे अकाउंट खोल रखा है फेसबुक वाला, पर निकल आया है, फोटो खींच खींच के डाल रही है। खींच के रखो वरना फुर हो जाएगी। अबे उठ यहाँ से, मस्ती पिछली
पिछली बार इंडिया को सिंगल हैंड जिताया था हमने, यहाँ बैठ के टॉयलेट तक नहीं गए थे, पता है कितना प्रेशर था हम पे। अजमल हाय लगेगी मुक्कू की तुझे, दरिंदे उड़ गया, किसने पकड़ा कैच मैं खुद ही देख लेना। अरे नहीं देख सकता ना भाई, किसने पकड़ा कैच बोलना। अजहर ने, ये विकेट बहुत भारी पड़ सकती है इंडिया के लिए। जुनैद का ओवर है तो आखिरी ओवर सही अजमल का यार। सुस्ती से उसका गेंदबाज आ तो रहा, परंतु सुस्ती की माँ हमारे बल्लेबाज पे बैठी है, टिप टिप कर रहे हैं क्रीज पे बस। मुर्गे टशन में नहीं देख रहे कि मन्नत है। क्या हो गया? कुछ नहीं, चौका बजने लगा, कमीनों ने रोक लिया। ये पता नहीं घर से कौन से बकरे निकल के आए हैं आज। प्लीज भोलेनाथ आज जिता दो, आज जिता दो तो एक महीना झूठ नहीं बोलूंगी। एक रन वापस तो आज लड़के ही के ब्लडी। दो बार दे। पंडित से चुरा के 100 रुपया भी चढ़ा दूंगी, बस इस बॉल पे चौका। बस हो गया मेरा, इंडिया को हारते हुए नहीं देखूंगी मैं। सुनिए आगे बार छक्का भी तो लग सकता है। आज भोलेनाथ मूड में नहीं है, आउट हो जाएगा वो, अपने अल्लाह से ही मांग लो। हे ऊपर वाले बचा लो। देखे तो बताना, पूरा बंदा घूम जाए अपने निकलते, ये बोर्ड ढूंढने कहां से निकल ली। वही तो नजीर स्टेट की लोड से उसी की दुकान का बोर्ड चुरा के ले गया। अरे अब वो थाम रहे, ससुर दर्जी का बोर्ड ले जाते तो क्या होता था बताओ। हा? सही बात है। अच्छा चाय पी दे, ताकि साहब को चाय पिलाओ, चलो मिल जाएगा। इसे आज पक्का पूरा करिएगा। हाँ, और ये भंडारा के राशन में दाल और चावल की 10-10 बोरी और बढ़ा दो। हाँ, हाथ तंग ना रहे, यात्रियों की सेवा में कोई कमी ना रहे। मुक्कू जी, पंडित जी ने भेजा है, साइन करके दे देना वापस। बस, अरे एक मिनट रुक तो जाइए। क्यों मोर नाच रही है यहाँ पे, जो रुक जाए। एकदम सही, चलो। कितनी बार कहा है कि सवारी उधर ही उतर जाती है भाई, नहीं तो ढाबे तक भी ले आओ तो चलेगा। नहीं, यात्रियों को तो हम 2 किलोमीटर दूर छोड़ सकते हैं, यहाँ तो अपने लिए आते हैं। शुक्राना करने तो और भी तो जगह है ना तुम लोगों को शुक्राना देने की। अब शुक्राना देने की क्या जगह, वो तो कब्र से भी दी जाती है ना। चलो, जब यात्री लेकर आता है तो घंटी बजा जाता है। मासूम है ससुर जी। उल्लू, मैं जानता हूँ इसे, अपने पिता के साथ आया करता था। ससुर जी इतनी छूट दोगे ना तो ना भैंस लौटेगी ना रस्सी, सींग मारेगी वो अलग। लो प्रसाद लो। और शाम का बताओ, लता पूछ रही है तुम्हारे बारे में। आते हैं शाम को। जय शंकर। रामबाड़ा तक जानते हो ना हमें, चलोगे? जरा 2 मिनट रुकिए, यहाँ रुकिए।
कैसे मर्द हो? औरत की मदद का रिवाज नहीं है तुम्हारे यहाँ? जी हमारी अम्मी हमें चोरियां करना नहीं सिखाती। हाँ बोट चलाते हैं हम। अरे जहाँ जगह मिली छाप दिया। फूल पत्ते पहाड़ दिखने के बजाय सिर्फ ये नजर बटू बोट दिखते हैं वादी में। अकेले इतना काम करते हैं, पूरी वादी का ठेका लेके बैठे हैं हम। पता है तुम्हें कितना प्रेशर है हम पे? चलिए। और हाँ, अगर रपट लिखवाई तो हम तो कह देंगे कि तुम चोर और हमें यहाँ जबरदस्ती ले आए। मुसीबत हो जाएगी। जी हमें पूरा यकीन है आप हमें गहरी मुसीबत में डालेंगे। गुना पधारे हैं। जय श्री। जय बोले। अरे गुल्लू आओ बेटा आओ। सीओ के नौता भेज दिए हैं आपकी ओर से। इस बार गृह मंत्री आए तो आपके यहाँ चाय पानी करके जाए। मुक्कू गुल्लू के लिए बादाम वाला दूध ले आ। अरे नहीं भैंस ना ले आए साथ, हम सीधे वहीं से पी लेंगे। मंदाकिनी मिश्रा जी हैं क्या? उनके पिताजी होंगे ब्रजराज मिश्रा जी। जी मैं ही हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। मायसेल्फ देव प्रसाद नोटल। जी जीते रहो। मंदाकिनी जी का हाथ मांगने आया हूँ आज। मेरी मंगेतर का हाथ मांगने के लिए स्टॉल लगाए क्या बाहर? ये पांचवा चला आ रहा है मुंह उठा के पिछले 5 महीने में। हेलो, आपकी मंदाकिनी कहीं पांडव तो नहीं खोज रही ना बिहार रचाने के लिए पंडित जी? मायसेल्फ देव प्रसाद नोटल। हेलो, सुना नहीं मेरी मंगेतर? तो इंट्रो का देने लगी। इश्तिहार छापे क्या तुम्हारी दुल्हन का? यही पर बोलो, ये क्या है रोज रोज का कलेश? हाँ आपको नहीं पता? हाँ सब पता है, पर ये जानकारी भी रख लो कि जब रिश्ता जोड़ा था तो ये नहीं कहा था कि दिल लगा लो। रिश्ता शुरू होता है शादी के बाद, समझी मुक्कू जी? ये रिश्ता का ये तो मोल भाव हो गया पंडित जी। संभालो अपनी सुपुत्रियों को। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, पंडित सेंटी हो गया। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। 11वीं फेल, घर में बैठी है बस ग्रहण लगाने। हाँ और आप तो बीए पास कर चांद पर चली गई ना, यही पंडित के संग संग रह गई आप भी। भांग पी रखिए क्या टीले की? अभी तक तो नहीं, शाम का प्रोग्राम है, ले आए आपके और पंडित के लिए। छोटू कह रहा था आज फिर पूरे पैसे नहीं लिए सवारी से। बस 50 कम थे हमें। मंसूर जी भूखे को ना रूखी भी चिपड़ी के बराबर। अशरफिया नहीं आपके महल में? महल अशरफियों से कहाँ बनता है? अब्बा कहते थे कि जब बस फिर मुझसे निकाला। अब्बा कहते थे चने क्या क्या बक गए तेरे अब्बा, भुगत रही हूँ मैं। कहते थे यही जन्नत है, खा गई उसे ये बात ही। हमें ये ऊपर घंटी बजाना भी वो ही सिखा के गए थे ना तुझे। कितनी बार मना किया है, अपने काम से काम रखा कर। अपने काम से ही तो काम रखता हूँ मैं, वहां जाना मेरा रोज का काम है ना, रोजी रोटी मिलती है तो शुक्राना दे देता हूँ। अब्बा देते थे। सुन, तेरे अब्बा से पहले शौहर थे वो मेरे, खुद से पहले दूसरों की खिदमत, मेहरबानी, उनकी रूह दूसरों को दे गई, मुझे तबाही। जब पहाड़ी से गिर कर मरा था ना तो एक रोते हुए बच्चे की चप्पल लाते लाते पाँव फिसल गया था उसका। अपने अब्बा जैसा मत बनना, भरी जवानी में कमर तक चला गया। मोहब्बत है उससे पर नफरत कहीं ज्यादा है। छोड़ गया हमें अकेला, खुदगर्ज था। तो मैं भी हूँ खुदगर्ज, तो अगर साथ रहता उनके तो शायद होते हो यहाँ पे। खाने पे चिड़ी है या सवारी पे? आज तो इसके अब्बा पे चिड़ गया। अरे कहाँ छुपे हो भाई? शुक्र है मियां तुम सुकून से हो। हाँ ये देखो रफ्जुर, काम के लिए समा दो इसे। ऐसा लगा अगली जंग शादी के बाद छिड़े तो बेहतर है। अब मंसूर मियां, गद्दे और हीटर वगैरह का बंदोबस्त शुरू करो।
कल शाम तक पहाड़ के सारे गंदे हीटर आ जाएंगे और उस तमर हम भी पहुंच जाएंगे। अपने खच्चर को लेके जाएगा वहां। गौर, रुस्तम जो भाई की जाती मुक्कू, वो पकौड़े लेकर तू चल कुल्लू के लिए। मुक्कू, तमाशा मत बना, चल। वो सब्जी काटते हुए कट गई, अब पकौड़े नहीं संभलेंगे ना पंडित जी। लगा दिया ना तमाशा फिर से। मेरा तमाशा नहीं लगा। 5 साल के थे ना तुम दोनों जब से मंगनी है तुम दोनों की। अरे भाई समझ के खेली हूँ आसपास। एन वक्त पे इसका नहीं उसका हाथ दे दो और पंडित जी ने दे दिया, तमाशा तो मेरा लगा ना। बहुत शौक है सजा देने का, सर पे एक्स्ट्रा लोड ना ले। मेरे और कुल्लू के बीच में जो कुछ भी हो उसमें तेरा कुछ नहीं था, तुझे दोषी नहीं मानती मैं। पक्का? प्रस्ताव है कि रामबाड़ा में 2-स्टार होटल बनेगा। अभी के लिए 4-5 दुकानें हमारी तरफ से और 5 दुकानें पिठों के इलाके से, और वहीं बीचों बीच खड़ा होगा होटल। सर्वे की रिपोर्ट में छपा है कि सबसे टूरिस्ट वहीं रुकना पसंद करेंगे। केदार तक सिर्फ 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, फिर उसके बाद लॉज, कुछ पक्की दुकानें। विस्तार से योजना बनाई है व्यापार, तरक्की और तीर्थ की। मीठी मीठी बोल के दुर्गति कर रहे हैं। आपको किस संकट में झोंके हैं दुर्गे जी? 1000 बार कहें कि धारा देवी की मूर्ति को अलकनंदा से मत उठा, नदी का रोग बहाव धारा देवी के आशीर्वाद से तो ही है, और ऊपर से वादी में और दुकानें और होटल का भार। ऐसे तरक्की महंगे न पड़ जाए कहीं। ऐसे पुराने जमाने की बातें लेके टच फोन यूज करते हैं दुर्गे जी। वो हमारी मुख्य बुराई वाली बात चला था। रामबाड़ा में होटल के रहते सबकी तरक्की होगी, व्यापार बढ़ेगा और एकजुट होकर काम करने में सबका भला है। 5 मिनट तक ना आया ना तो मैं तो जा रही। चुपचाप बैठ। 20 यात्रियों का झुंड बिना लिए वापस गए ना तो 20 साल तक कान गर्म हो जाएंगे फटकार सुनते सुनते। पता है अमेरिका में पंडित को जेल हो जाए कि मासूम फूसी बच्चों से इतना काम कराने की, वो भी ये। उक्कू जी, मिली आप मेरे दोस्त से? तरंग। नमस्ते। तरंग मेरा दोस्त है स्कूल का, अब हमारे साथ ही काम करेगा। तरंग, तुम्हारी भाभी थोड़ी मंचली तो है, रोज नए नए रिश्ते आते हैं इनके लिए। अरे नया फोन फिर से बदल लिया। अरे रिश्ता थोड़ी है जो इतने स्पीड से बदल रहे हैं। फोन बुरा मान जाएगा। दीदी को छोड़ा इसलिए इतना गुस्सा है कि तुमको चुना इसलिए इतना इतरा रही है। रोना बंद करो। शाम को 10 यात्रियों का झुंड है बुकिंग में। हाँ, और भाई साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ऐसी हालत में फिर कैसे संभालेंगे अकेले दुकान?
भाभी भी तो शहर गई है ना। इन दोनों बच्चियों को भेज दो हाथ बटाने बारी बारी। ठीक है, ये ठीक रहेगा। मैं तो नहीं ऊपर नीचे के चक्कर काटने वाली, वृंदा को ही भेज देना। हाँ हाँ, मुझे और कोई काम तो है नहीं, बस यही रह गया है। महारानी कहेंगी। ठीक है, हम चले जाएंगे, तुम मत जाओ। अरे कर लो भरोसा हम पे भी, इतने भी निकम्मे नहीं है। 19 साल से खुद को संभालते हुए आए, अब दुकान को संभाल लेंगे। बड़ी जल्दी मान गई। इतना मत सोचो, शैतान की दुम है पूरी कंडेली। सेल्फी हो गई हो तो सवारी लोगे रामबाड़ा तक? नहीं, वो हम गौरीकुंड तक सीधी सवारी ढूंढ रहे। तो अब उड़ के तो नहीं जाओगे ना गौरीकुंड, रामबाड़ा से ही होके निकलोगे? लेकिन मुसीबत हो जाती है ना। क्या मतलब, रामबाड़ा से गौरीकुंड तक मुसीबत हो जाती है तो पूरे गौरीकुंड तक का टैक्स भर देंगे। उतार रामबाड़ा में देना तुम्हें क्या। चलो मंसूर। इनका रुस्तम। कितनी उम्र है? 7 साल की है। आपकी? घर में और कौन कौन है? इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत क्यों देते हैं? दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई। ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। पता, मेरी बड़ी माँ कहती थी कि जब कोई खूबसूरत घटना घटती है तो रूह बाहर निकल के आ जाती है आंखों में। सुना है कभी? मेरी बड़ी मान नहीं है। हाँ तो हमने भी फेसबुक पे ही पढ़ा है, हमें पहलवान बनाना चाहती थी वो। बनने को तो बन भी जाते लेकिन काफिराना सा है इश्क है या क्या है। फेसबुक पे हो? ऐसे तुम मिले हो, उन्हें पूछ रहा है? ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना। शर्मी आती तुम्हें? वैसे कोई लड़की जो देख रही है ये नहीं कि पलट कर देख ले वापस। सर में चू की तरह फोन में घुस लिए हैं बस। चाउमिन कहेंगे। रुस्तम जी, रुस्तम जी, आप इसे गप्पे मार लेते हैं। आपकी मुंडी दाएं से बाएं तो हिलती है। इधर इधर तो मजा आ, बल भी पड़ जाए। अरे बल क्या, हम बोलते बोलते मर ना जाए। पर यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। मैं ऐसी कौन सी कयामत देख ली फोन पे कि सांस लेना भूल गया मंसूर जी? फेसबुक पे। ये फोन तो नहीं निकली नाश्ते में? अब एक मिनट गुजरे, आराम से। ये वो यात्री जिसे सुबह मैंने केदारनाथ छोड़ा था, ये उसका रही है। हम जल्दी से देखे आते हैं। अरे कहाँ से देखे आते हैं, 2 घंटे की चढ़ाई है, 2 घंटे उतर आए हैं। पता है मैं रोज करता हूँ, अच्छे दिन तो 1.5 घंटे में करता। तो अब हम ढिंचू ढिंचू करके वापस ऊपर? नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप और रुस्तम यहाँ रुकिए, मैं बस यूं ही और यूं आया। अरे क्या फर्क पड़ता है, फोन है, कोई बच्चा नहीं जो खो गया। लेकिन जब भी याद करेगा कि दर्शन के लिए आया था तो मलाल रहेगा ना कि सब बढ़िया था, बस
फोन नहीं गया तो उसके बोले ना तो उसके साथ बुरा कैसे होने नहीं है। अल्लाह हाफिज़। जैसे मिल रहा हो कोई जायका। वो रुस्तम की तबीयत खराब है। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही वैसे हो। रुस्तम की सवारी इस सवारी से बेहतर है। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। और हम दूध अगर फट जाए ना तो फटे हुए दूध से अगर मुंह हो चांद देखो तो अगले दिन जो चाहो वो मिल जाता है। तुम क्या सोचते रहते हो सारा टाइम? यही के रोज बड़ी से बड़ी भारी भरकम सवारी ऊपर नीचे करता हूँ। इतना बोझ कभी नहीं उठा। आदत डाल लो। अजीब है मेरी चप्पल कंगन क्लिप रुमाल ये रुस्तम खा क्यों नहीं रहा मेरा सामान ब्लडी। इच्छा है कि पर निकल आए बस और सबसे पहले ना वहां जाके पहाड़ के मुंह से ये गंदगी हटाए। सबकी निगाहें उस पे टिकी है पर हम तुम्हें देखते हैं। तुम सिखा रहे हो तुम सिखा रहे हो जिस्म को हमारे रूहदारियां। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। रुस्तम बाकी सब घोड़े झिलमिल कपड़ों में सजे तूने क्यों ये टकेसी चादर बांध रखी है? हमें नहीं पसंद। कल कह देना मामूली चादर पे शाही सवारी नहीं बैठी। अरे चमचम वाली चादर ले आओ तो बात बने। कोदी में पहाड़ियों की उजले तो पहरे गुजारना हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। कोदी में पहाड़ियों की उजले तो पहरे गुजारना हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली अंगियों से तेरा मेरी नजर उतारना हाय हाय हर बार तो मुझे स्वीटहार्ट निकले मंसूर खान अच्छा लगे। बदली हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है। मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों
कदमों में ये सारा जहां, तेरे कदमों में ये सारा जहां, तेरे कदमों में ये सारा जहां, तेरे कदमों में ये सारा जहां। चलेगा तू कहे तो चांद लेगा, तू कहे तो चांद लेगा, तेरे कहने पर ये चलेगा, तेरे कहने पर ये चलेगा, तू कहे तो चांद लेगा, तू कहे तो चांद लेगा। तू कहती रही मैं करता चला, तू कहती रही मैं करता चला, मैं करता चला, तेरे कदमों में ये सारा जहां, 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 तेरे कदमों में ये सारा जहां। साईं बाबा का दरबार सुहाना लगता है, साईं बाबा का दरबार सुहाना लगता है, मेरे साईं का हर कोई दीवाना लगता है, मेरे साईं का हर कोई दीवाना लगता है। अर्पण है मेरा तन मन धन, नाम उनका ले रही है हर धड़कन, साईं पर अर्पण है मेरा तन मन धन, नाम उनका ले रही है हर धड़कन। साईं बाबा का दरबार सुहाना लगता है, साईं बाबा का दरबार सुहाना लगता है, मेरे साईं का हर कोई दीवाना लगता है, मेरे साईं का हर कोई दीवाना लगता है। साईं तेरी यादों में मुझे नींद नहीं आती है, साईं रातों में दिल खोया है मेरा, साईं तेरी यादों में मुझे नींद नहीं आती है, साईं रातों में। साईं बाबा का दरबार सुहाना लगता है, साईं बाबा का दरबार
सुहाना लगता है, मेरे साईं का हर कोई दीवाना लगता है, मेरे साईं का हर कोई दीवाना लगता है। उस दिन मुझे स्वीट हार्ट बुलाया था, क्या मतलब? बुलाया था चाउमीन दिखा। स्वीट हार्ट मतलब वो जो दिल के सबसे करीब हो। आसमान छिया है कभी? कहावत ही है आसमान। मेरी बड़ी माँ कहती थी कि बारिश की बूंदें ना नीले आसमानों से हमें जोड़ती हैं। बड़ी माँ कहती थी कि अभी फेसबुक तो पढ़े। बड़ी माँ नहीं कहता, 10 साल की थी मैं जब चली गई। बारिश बहुत पसंद थी उन्हें। जिस दिन यहाँ से गई ऐसी बारिश हुई कि लगा वही बरस गई ऊपर जाकर। तुम इसलिए बारिश की बूंदें पीती हो? सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं, मैं तो पूरा आसमान पी जाती हूँ। चोर चोर हैं आप मंसूर जी, मेरी एक भी चीज नहीं लौटा है। चलिए आज एक और चीज दे देते हैं, थोड़ा सा आसमान। बस लेते ही रहेंगे, कुछ देंगे नहीं। मैं भी 10 साल का जो अब्बा के साथ पोस्ट ऑफिस गया, लता जी को एक चिट्ठी लिख से कहने कि जब वो गाती है ना ऐसा लगता है कि पूरी वादी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब्बा जब गुनगुनाते थे ना तो ऐसा लगता था कि पूरी रूह उनके आंखों में आ गई। मम्मी कभी नहीं सुनती पर मैं 1000 बार भी सुन लू ना तो कम है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए
उनको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो तक जा यात्रियों की बढ़ती संख्या देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए प्लान पास हुआ है। 5-6 दुकानें आपकी तरफ से भी लगेंगी। वादी के लोगों की तरक्की को ध्यान में रखते हुए हमने प्रस्ताव रखा है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कुल्लू जी, लेकिन वादी का भी तो ध्यान रखना है। परमिट नहीं मिलता बनाई का, क्योंकि वादी सह नहीं पाएगी, वो फट जाएगी। नाम क्या बताया? जी मैं मंसूर, और मेरी दुकान भी उसी इलाके में आती। मंसूर, तुम श्रद्धा नहीं समझोगे जी, सेवा का भाव नहीं समझोगे। यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है। पर ये तुम्हें कैसे बताओगे? हमें क्यों नहीं फंसाओगे? हम सेवा करते हैं, तीर्थ कराते हैं कुल्लू जी, तो क्या करें? तीर्थ रोक दें? नहीं, राशन करिए। हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितना जितने का इंतजाम कर सकते हैं। ना वादी पे बोझ जाएगा ना लोगों पे। ओ, तो मंसूर हमें बताएगा कि हम अपने भगवान से कब और कैसे मिले। एक काम मिल रहा है मंसूर, तू क्या पट्टी झाड़ रहा है, हैं? तीर्थ है, यात्रा है, व्यवस्था है, भगवान भी चाहता है कि तरक्की हो। यात्रा और व्यापार सब साथ में चलता है। तीर्थ का व्यापार है ये, और जिस वादी में भगवान बैठे अगर उसकी कदर नहीं हुई तो कहां जाकर बैठेंगे वो। व्यापार होता है तो सबके पेट भरते हैं। पांडव यहां पश्चाताप के लिए आए थे, और तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करने। जिनके भाग्य में हमारे धामों के दर्शन होते हैं, अमरनाथ केदारनाथ, वो भोले की इच्छा से ही। और जब वो बुलावा भेजता है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हमारा जब भी मन करेगा हम दर्शन करने को चले आएंगे, और जितने भी आएंगे उनकी व्यवस्था करेंगे हम। और तुम कहां से आ गए हमारे बीच? बीच? हम तो हमेशा से यहां हैं, आपके साथ। बीच में कहां से आ गए? अमरनाथ की गुफा पहली बार ऊटा मलिक को दिखी थी, आज भी उनके घर में चढ़ावा जाता है हर साल। पुश्तें हमारी सेवा करती रहे, श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए, कंधों पे बिठा के तीर्थ कराए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के हुल्लारे लगाए, यात्रियों के अंतिम समय में कानों में जाके शिव का नाम फूंका। हमें कैसे बाहर निकालेंगे? तीर्थ हमारी रगों में है कुल्लू जी, पर यह बात हमारी आपकी नहीं, तो पूरे केदारनाथ की बात है। शंभो 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 है, तुम तो भारी पड़ गए सभा में। पहले चुप रहते थे तो सब कहते थे कि अब्बा की तरह वरुण सलाम मशवरा दो, और अब कुछ कहा तो बवाल खड़ा हो गया। पता नहीं कैसे झेलते थे अब्बा ये सब। तो अब्बा के गुजरने के बाद कोई मैच टीवी पे नहीं देखा? मंसूर, मंदिर तक ही तो जाना है। आज नहीं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो रेडियो है ना, साथ में सुनेंगे, रेडियो में ज्यादा मजा है।
चले गए छोड़ के, और एक दिन आप भी चले जाएंगे। सीधे अपने अब्बा जी के पास भेज देंगे हमें आप, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई हमारी। चली जाएंगी किसी और के साथ, वक्त आने पर। लो, हम तो चिपके हैं नीच की तरह, नून छिड़कने पर भी ना उतरे। हम तो हमेशा तुम्हारा खून पियेंगे मंसूर खान। नहीं रह सकती हमारे साथ, ना खुशी में नाच सकती हैं ना गम में रो सकते हैं, नहीं शामिल हो सकती हैं हमारे साथ। ये सवारी नाच भी सकती है, रो भी सकती है और शामिल हो भी सकती है। बताइए कौन से गम में शामिल होना है, हम रोने को रेडी खड़े हैं, बस वक्त और जगह बताइए। मेरे खुशी में शामिल होंगे, मेरे बहुत करीबी दोस्त का निकाह है परसों, तो मैं सोच रहा था कि छोड़िए ऐसे ही बोल दिया, बात तो कोई क्या पहुंच जाएंगे, छोट पुल्ले पे कैद होनी चाहिए मुझे। और अगर पहुंच गए ना तो तुम्हारी कैद शुरू है मंसूर खान। मंसूर होना तुम, मुक्कू की सवारी लेकर जाते हो ना रोज, बहन है मेरी छोटी, उसकी नस नस जानती हूँ मैं। हर महीने कोई आता है बेचारा उसका हाथ मांगने, इस महीने कोई आया नहीं तो सोचा खुद ही देख लूं अगली किसकी बारी है, और बता दूं उसे कि अपने काम अपनी दुकान पर ध्यान दो, यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। इतने हैरान क्यों हो मंसूर खान, इतनी अकल तो तुम्हारे खच्चर में भी होगी, पंडितों की बेटी है वो। ऊपर ये नई बीमारी सारा टाइम फोन पे टिपू। अब गीजर है खराब तो ये नहीं कि भोलेनाथ का नाम लेके गंगा में डुबकी लगा ले, मुक्कू लेके जाएगी गर्म पानी तो स्नान होगा। कहाँ आग लग गई, अब रंबाड़ा का किस्सा खत्म करो, काका जी ठीक हो गए हैं, अपने काम से काम रखो, कल भी उसका इंतजार मत करना, नहीं आएगा वो। मतलब ये मुक्कू जी कि चाल जब नागिनों जैसी हो ना तो जोगी और सपेरे उठा ले जाते हैं, मंगेतर खेलने का शौक है ना तुम्हारा, भारी पड़ेगा, मुंह के बल गिरोगी किसी दिन। क्यों कहा कल उसका इंतजार मत करना, बता दिया उसे सब कुछ कि ये ड्रामा क्यों किया तुमने, मंगेतर बटोरने का शौक है तुम्हारा, नहीं मिलेगा कल से वो तुम्हें। जब कुछ पता नहीं तो बीच में आने की क्या जरूरत है, तू नहीं आई मुक्कू,
बीच में तो उगल दिया ना जहर, मुझे मानती हो दोषी। कुल्लू ने छोड़ा इसीलिए? हाँ, फंसाया कुल्लू को, फंसाया मंसूर को, सबको। खुश बाबा जी, मंसूर कहाँ है? तुझे पता है? पता होता तो पूछती। तुझे पता है वो कहाँ है? और तू ही इसे भेजेगी, गाँव से जाना है। मंसूर, मंसूर, अरे सुनो ना मंसूर, अरे सुनोगे मेरी बात? पता है मेरी बहन जहर उगल के गई है। हम मानते हैं, दो तीन भले मानस आ चुके हैं मेरा हाथ मांगने, नहीं चार, अच्छा अच्छा बाबा पांच, अरे और वो भी किसी और वजह से, पंडित और कुल्लू को नीचा दिखाने के लिए। सुनो ना, कुल्लू से मिनी मंगनी करा रखी है, जबकि वो दीदी का मंगेतर रह चुका है। मैं तुम्हें बताने वाली थी, सुनो ना। खेल है ये सब तुम्हारे लिए? जो मन में आएगा करोगी, जो मन में आएगा कहोगी, और तुम इस बेलियाज खुदगर्ज तो तुमको कह नहीं सकता, क्योंकि पूरी वादी तुम्हारे और तुम्हारे बाप की है ना। और हाँ मंदाकिनी जी, अगला दाव बराबरी वालों पे हो ना, तो बेहतर है। कुछ भी बक दिया और तुमने मान लिया, वो थी वहां जहां हम थे, वो थी वहां जहां हम थे, वो थी। हाँ कैसे मान लिया? कोई कबूल नहीं करेगा इस रिश्ते को। तुम करोगे? जानसार है जानसार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार है जानसार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार।
लड़की को यहां से। प्राण अपान मायुक्ता सकाम काय मुक्कू वहाँ क्या है पता है कहाँ है वो हाँ वो नीचे दुकान में काका जी के पास गई है उसके बाद सहेली के पास वृंदा ने बताया बकवास कर रही है वृंदा से चल रहा है क्यों मंगेतर मंगेतर सिर्फ तुम खेलोगे कहाँ है वो अपने प्रेमी के साथ उसका कंधा से हिला रही होगी जानती थी कौन है वो पर हुआ क्या है कहाँ है मुक्को वो जो पिट्ठू है ना जो घंटियां बजाता फिरता था उसके साथ उसके घर में बकवास मत करो आशिक है उसका बोलो पिट्ठुओं से पक्की खबर निकाली इतना क्या पंडित जी पहले तो बड़े आशीर्वाद देते फिरते थे पहले घंटी दे दी अब पेटी भी थमा दो पंडितों की लड़की पे हाथ डालेगा तो क्या भजन कीर्तन करेंगे साथ साथ एक एक को खदेड़ के निकालेंगे सबकी जरूरत नहीं है बात हो गई है मीना और बाकी दुकानदारों से चले जाएंगे वो लोग निकल जाएंगे यहाँ से Thank you.
क्यों काँप रही है मेरी वृंदा? उसे देखो, बिना हाथ झपके बिना रोए पिटी जा रही है, रातों रात पत्थर की बन गई है। बंद करिए तमाशा, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। मृत्युंजय महादेवा नाहिमा शरणागतम जन्म मृत्यु व्रला व्याधि पीड़न कर्म बंधनम मृत्युंजय महादेवा नाहिमा शरणागतम मृत्युंजय महादेव ग्राही चुप। बगावत का सिर्फ ख्याल अच्छा होता है, अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। सिर्फ छोड़ दे, परेशान हो गए। नहीं नहीं कहते कहते जान हो गए, नहीं नहीं कहते कहते जान हो गए, तू मेरी जान हो गए।
तुझसे नाता जोड़ लिया है, तुझसे नाता जोड़ लिया है, फिर क्यों तूने मोड़ लिया है, फिर क्यों तूने मोड़ लिया है, तुझसे नाता जोड़ लिया है, तुझसे नाता जोड़ लिया है, फिर क्यों तूने मोड़ लिया है, फिर क्यों तूने मोड़ लिया है, धड़कन मेरी यादों में यारा तेरी खो गई, धड़कन मेरी यादों में अब तेरी खो गई, तू नहीं तो जिंदगी कुछ भी तो नहीं, तू नहीं तो जिंदगी में कुछ भी तो नहीं, तू नहीं तो जिंदगी में कुछ भी तो नहीं, तू नहीं तो जिंदगी में कुछ भी तो नहीं, तू नहीं तो जिंदगी में कुछ भी तो नहीं, तू नहीं तो जिंदगी में कुछ भी तो नहीं। फिर वही बातें, मेरे लिए कभी खड़ी नहीं हुई, उसके लिए तो हो जाओ, मुझे मार दिया उसे तो बचा लो। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे गलती हो गई, ना चाहते हुए भी मैं और मुकु। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? पंडित जी तो आगे कैसे झेलेगा? तो इसे कल के कल होगी इसकी शादी। अभी तो इतना मार के भेजा है उसे, दो चार दिन तो दे दो उसे ठीक होने को। बेशर्मी की कोई हद है भी या नहीं? वो तो जब अपने कुल्लू से मंगनी कराई थी तभी भुला दी, मंसूर से शादी करेंगे तो नहीं होगा ये संगम, फिर चाहे प्रलय ही क्यों ना आए। तो जाप करूंगी दिन रात, कल सुबह 8 बजे मुहूर्त, 9 बजे विदाई, उसके बाद ये मनहूस सूरत मुझे फिर कभी नहीं दिखाना।
वार्निंग इशू हुई है। क्या बकवास कहते हैं, गाइड ने बोला है सब नॉर्मल है, ऊपर जा सकते हैं। दो तीन वेबसाइट पर इशू हुई है। रामबाड़ा दुकान में छोड़िए, मंसूर को लेकर यहाँ से निकल जाइए। बाकी चार दुकानों की सहमति भी हो गई है, सब राजी हैं। आप लोग नहीं निकले तो सबकी रोजी रोटी ध्यान पड़ी, जीना मुश्किल कर देंगे हमारा। हो गया, आपको जवाब मिल जाएगा जल्दी। सबने साथ छोड़ दिया, सब चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए। आई अकल समझा कुछ? सब चिंता करना है। समय करो सर, बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर एरिया से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है सर। ये देखिए प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा है सर।
सिंह और हम चुप रहेंगे। मंडल का प्रत्येक सदस्य जान ले, हम एक भी बिट्टू को रहने नहीं देंगे रामबाड़ा में अगर हमारी शर्तों पे सहमति ना हो। मुक्को ने ठुकरा दिया तो इतना गाओ कि पूरा इलाका जला दोगे पुलिस। तुझे और तेरी दुकान दोनों को नहीं रहने देंगे। और रही बात मुक्को की, क्या कर लिया मुक्को ने हमसे, मर जाएगी तुझसे ब्याह नहीं करेगी। शादी तो की है उसने पर अब मर भी जाएगी, इसे जो काट ली उसने अपनी। डमरू तो त्रिलोक सुनते हैं, जन्म से पहले हम अपनी मृत्यु खुद ही चुनते हैं। हर हर महादेव, ये मैं नहीं, ये तू है, ये मैं नहीं, ये तू है। क्या करने जान से मार दूंगा मैं, मम्मी को छोड़कर शादी कर दी ठीक हो गई तो विदाई कर। अरे तो कदे विदाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी होगी आऊंगा और लेके जाऊंगा मुक्को। मरना मत मुक्को, इस बार अगर लेट हुए पहुंचू
अभी इस बार नहीं जाना, तुम मर जाओ ना। पता कर, तू वापस आएगा सही से। I'm gonna be.
मंसूर
बच्ची, आप नीचे बैठिए, अरे हम सब मर जाएंगे। केदारनाथ जो पूरी तरह